ग्वालियर शहर के माधवन थाना क्षेत्र के आपागंज स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के नजदीक झाड़ियों के भीतर एक महिला की नग्न लाश मिली है। पास ही महिला के फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल व अन्य सामान भी मिला है, लेकिन पुलिस ने भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि यह फोटो और आधार कार्ड मृतका का ही है। दरअसल माधवन पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास नाले में झाड़ियों के बीच एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस, FSL, डॉग स्नॉपर सहित अन्य लोगों की टीम मौके पर पहुंच गई। आसपास पूछने के बावजूद महिला की पहचान के बारे में कोई खुलासा नहीं हो सका, लेकिन पुलिस ने इतना साफ किया है कि घटना बीती रात की ही हो सकती है। संभावना यह भी है कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। पास में ही घर में प्रयुक्त होने वाला एक सिलबट्टा भी मिला है। संभावना है कि इसी सिलबट्टे से उसके सिर और चेहरे पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है। संभावना है कि महिला किसी अन्य इलाके की रहने वाली है, इसलिए स्थानीय लोग उसे पहचान नहीं सके हैं। इस हत्या की वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया यह भी पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस को मौके से एक मोबाइल के जरिए महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। संभावना है कि यह मोबाइल महिला का ही हो सकता है। उसकी अंतिम क्षणों में किन लोगों से क्या बात हुई यह भी पता चल सकता है और उसकी पहचान भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि महिला की उम्र 35 से 40 के बीच में है और जो फोटो मिला है उसमें भी महिला की उम्र यही लग रही है, इसलिए ऐसे पुलिस को उम्मीद है कि बरामद मोबाइल भी महिला का ही होगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। ये सुबह सूचना मिली थी माधवगंज CI को कि यहाँ पर जो पास में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में जो नाला है, इस नाले के अंदर जो झाड़ियाँ हैं, जंगल टाइप का बना हुआ है, वहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है। इस पे मौके पे आया गया है और अभी हम लोग FSL से भी सारी चीज़ों की जाँच करवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो बॉडी मिली है महिला की है, 35-40 साल की करीबन की उम्र लग रही है और चेहरे पर उसकी चोट के निशान है, ऐसा लग रहा है उसकी हत्या की गई है। हाँ, वो सब चीज़ वेरीफाई कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बता पाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसकी पहचान हो जाए और जो जिन्होंने कुछ किया है अपराध उनको जल्दी पकड़े। हाँ, अभी संभावना है, अभी हम पोस्टमार्टम कराएंगे तो अभी इस बॉडी पे कपड़े नहीं है तो ऐसा हो सकता है, और उसको सारी चीज़ें सारी एंगलों पर देखेंगे कि क्यों इस तरह की घटना हुई और कौन थे साथ में, ये महिला कौन है, और हमारी टीम लगी हुई है। मुझे लगता है कि जल्दी चीज़ें, कितने दिन पुरानी बॉडी होगी है? अभी तो लग रहा है कि रात ही की शायद होगी है, ऐसा लग रहा है पहली दृष्टि से देखने से, और हो सकता है कि जो PM से एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा।